सो गाइज वेलकम बैक योर एंड दिस इज योर विजय हेयर और आप सभी लोगों का यहाँ पे क्रोनोलिज्म एंड कंट्री साइड वाले चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का चौथा पार्ट है, इसके ऊपर हमने वीडियो के तीन पार्ट अपलोड किए हुए और आई होप आपने वीडियो के तीनों पार्ट देखे होंगे। सो इन दिस थर्ड पार्ट हम और ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करें फोर्थ पार्ट हम और ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चैप्टर के अंदर और क्या चीज़ें हैं। ओके ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा और इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द PDF नोट्स तो आप टेलीग्राम पर आइएगा, मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। और आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पेज हमारे साथ चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ से कोई भी डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कि बुकान करके एक ऐसा व्यक्ति था जो था तो चिकित्सक, एक ब्रिटिश ऑफिसर ही था, लेकिन उसने किस तरीके से भारत के अंदर घूम के, इवन बंगाल के अंदर घूम के, सबसे पहले तो उन्हें पहाड़ी लोगों से मुलाकात करी और पहाड़ी से मुलाकात करी तो वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ज़्यादा निर्दयी थे, लोगों पे शक करते थे। तो इनका कहने का मतलब था ब्रिटिशर समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से पहाड़ी लोगों को डोमेस्टिकेट करा जाए, क्योंकि बार बार वो कहते थे जमींदारों की ज़मीनों के ऊपर, इवन रैयतों की ज़मीनों के ऊपर भी अटैक करते रहते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने इनके साथ सेटलमेंट करा लेकिन बाद में इन लोगों को भी ख़त्म कर दिया था और वो अपने अंडरटेकिंग में ले लिया था। लेकिन यहाँ पे ना अब एक कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ पे कहानी आगे ये बढ़ती है कि वो फाइनली जो बुकान करके व्यक्ति हैं वो बाद में जब क्या कहते हैं पहाड़िया इलाकों से गुजरते हैं और जब ज़मीनी इलाकों में पहुँचते हैं तो वो मिलते हैं संथालों से। अब संथाल जो है ना ये पाइनीर सेटलमेंट है या सेटलर्स में बोल सकता हूँ। अब संथाल लोग कहाँ से आए, कैसे आए, इसके पीछे की कहानी हमें देखने को मिलेगी। संथालों की कहानी कुछ अलग है, संथाल पहाड़िया लोगों से बिल्कुल अलग होते थे, बहुत दिमागदार होते थे, बहुत समझदार होते थे और किस तरीके से अंग्रेजों के लिए यूजफुल हुए वो हमने इस पार्ट में आपको बताना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द संथाल पीपल, ठीक है, ये उसके आगे की कहानी है। अगर आपने पहाड़ियों के बारे में जाना होगा सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द संथाल्स। आई एम यूजिंग दिस पिक्चर ऑफ लगान मूवी, आपको समझ में आ सके किस तरीके से संथाल होते थे, आपके माइंड में एक पिक्चर बन सके, दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग दिस पिक्चर। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो संथाल लोग, इनके बारे में बुकान ने स्टेटमेंट दिया, इनके बारे में बुकान ने स्टेटमेंट दी थी, राजमहल की निचली पहाड़ियों के अंदर से एक गाँव गुजरते हुए बुकान ने लिखा कि इस प्रदेश के अंदर बहुत ही बढ़िया खेती होती है और यहाँ पर बहुत इस तरीके से पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर ज़मीनों के बारे में उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी, इवन बताने की कोशिश करी थी कि इस किस तरीके से यहाँ पर जंगलों को साफ करके काम किया गया था वगैरह वगैरह। इवन एक और स्टेटमेंट थी संथालों के बारे में, बुकान का विचार यही था कि नई जमीनों को ढूंढने का काम, नई जमीनों को अच्छे बनाने का काम, नई जमीनों को किस तरीके से ये लोग केयर करते थे उनका काम, इवन उनके घर के बारे में, उनकी झोपड़ियों के बारे में बताया गया था कि उनकी झोपड़ियों के अंदर कोई दीवार नहीं होती थी, मतलब फ्रंट गेट पे, एंट्रेंस गेट पे कोई दीवार नहीं होती थी और बाद में कोई पत्थर नहीं था, बस लकड़ी के सरकंडों से खड़े होके फिर अंदर से मिट्टी का लेप लगा के दीवार को कवर किया जाता। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बुकान ने अपनी इस बुक में मतलब स्रोत में बताने की कोशिश करी गई है। तो आप नॉर्मल से आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संथालों के बारे में बुकान किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं आगे, जब बुकान उतरते हैं, बुकान कहाँ से उतरते हैं, देखिएगा, एट द एंड ऑफ 1812 बुकान क्रॉस गुंजन पहाड़, जो देखिए गुंजनिया लिखा हुआ है, गुंजनिया बुकान, गुंजनिया पहाड़ को पार कर लेते हैं और जब पार करके मिलते हैं राजमहल के पर्वतमाला के नीचे से उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे चट्टानी देश से गुजरते हुए वो एक गांव को देखते हैं, ये गांव आपको दिखाई दे रहा है। अब ये गांव के आप देख सकते हो, ये वो चट्टानों से उतरे नीचे तो उन्होंने देखा यार गाँव पे बसे हुए कुछ लोग हैं, जिन्होंने घर बना रखे हैं अपने और उन्होंने बताया कि इस तरीके से इनकी दीवारें आप देख सकते हैं नॉर्मली मिट्टी से कवर हुई पड़ी है, इन लोगों ने किस तरीके से ज़मीन के हिस्सों को साफ किया हुआ है, साफ करके इन्होंने बताया था कि इस तरीके से झोपड़ियों के अंदर, वैसे तो क्या कहते हैं झोपड़ियाँ बहुत गंदी होती थी बट क्या कहते हैं इन लोगों को एग्रीकल्चर करना ठीक ठाक आता था। तो यहाँ से बुकान समझा इस चीज़ के बारे में कि राजमहल की पहाड़ियों के गुंजिया पहाड़ी के उस पार में कुछ लोग रहते संथाल। जब लोगों को पता चला कि यार ये इतना साफ ज़मीन किसने करी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर किसने करा है, तो लोकल लोगों के थ्रू पता चला कि ये लोग संथाल थे जिन्होंने ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर करा। अब अंग्रेजों के मन में एक दिमाग आया, उन्होंने कहा ये कब की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात हो रही है, 1810 की बात हो रही है, अभी अंग्रेज लोग पूरी तरीके से बंगाल को कैप्चर नहीं कर चुके हैं, अभी सिराजुद्दौला को भी नहीं मारा है ना, सिराजुद्दौला को 1757 में मार दिया था लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर कासिम आते हैं, मीर जाफर आते हैं, इन सबको कैप्चर करने के बाद बंगाल के इलाकों के अंदर और भी लोग थे और उनको फर्टिलाइज लैंड बढ़ाना था, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज लैंड बढ़ाएंगे अंग्रेजों को उतनी ज़्यादा ज़मीनें मिलती चली जाएंगी और उतना ही वो उन ज़मीनों पर टैक्स लेंगे, इस तरीके से संथाल उनकी मदद करेंगे ज़मीनों को फर्टिलाइज करने के लिए। और देखा किसने, बुकान ने कब देखा, जब वो पहाड़ियाँ लोगों से तो मिला लेकिन बाद में जाके वो किन से मिला, संथालों से। पूछताछ करने के बाद चला कि संथाल यहाँ के संथाल है जिन्होंने खेती का विस्तार करा।
अब खेती का विस्तार करा तो उन्होंने कहा कि ये लोग लगभग 1800 के आसपास यहाँ पे आए थे, यानी कि गुंजनिया पहाड़ी के तलहटी यानी कि घाटी वाले वैली वाले इलाकों में आके बसे थे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने वहाँ के कुछ कुछ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था, मतलब वहाँ के पहाड़ी लोगों को भगा दिया था संथालों ने, और जंगलों को साफ करके यहीं पर रह गए थे और यहीं पर इन लोगों ने खाना पीना बसर गुजर बसर चालू करा। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि संथाल लोग तो वो लोग हुआ करते थे जो ज़मीनें ढूंढते थे, फर्टिलाइज करते थे, खाते पीते थे, अपना मौज मारते थे। अंग्रेज लोग जिनको काम नहीं करना था, फर्टिलाइज लैंड बढ़ाना था, रेवेन्यू जनरेट करनी थी और बाद में ज़मींदारों को ज़मींदारी देके वो ज़मींदारी लेके फिर रेवेन्यू जनरेट करवानी थी। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स काम खुद नहीं करेंगे, काम किसी और से करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने ज़मीनें दी संथालों को। संथालों को ये कहा कि भाई आपको हम ऐसा कर रहे हैं कि हम फुटहिल्स ऑफ राजमहल के आसपास के इलाके को आपको एक ऐसा जगह दे दे रहे हैं, मतलब जगह दे दे रहे हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ पे आप रह सकते हैं। और रहने के बाद हमने आपसे ये कहा कि बस आप उन ज़मीन को फर्टिलाइज करिए और खाइए पिए, और जितने भी ज़मीनें आपको दी जा रही है उसका 10% हिस्सा हर साल फर्टिलाइज करते रहिए और बस आप वहाँ पे मौज करिए। तो यहाँ पे इस तरीके से संथालों को ज़मीनें दी गई 1832 के अंदर। 1832 में ज़मीनें दी गई, उसे दमिन एक हो बोला है, ठीक है। दमिन एक हो एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अंग्रेजों ने, क्योंकि बंगाल के अंदर दी थी ज़मीनें संथालों को, तो संथालों को जो ज़मीनें दी गई ना उसका कवरिंग कर दिया गया, बहुत कहा गया कि कई किलोमीटर के अंदर संथालों को ज़मीन दी जा रही है, और जो संथालों को ज़मीन दी जा रही है वो दमिन खो कहलाएगा, और संथालों को वहाँ पर रहने की परमिशन दे दी गई, और संथालों को कहा गया कि भाई आपके इलाके को हम डिमार्च कर दे रहे हैं, सीमांकित कर दे रहे हैं, और इस इलाके को सीमांकित करने के बाद आपको इतने इलाकों को हर साल फर्टिलाइज करना है। इस तरीके से फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर इनका सेटलमेंट हो गया, संथालों का सेटलमेंट हो गया, जहाँ संथाल 1832 के अंदर 40 संथालों का घर था, वहाँ 1838 तक आते आते 1447 हो गए, और उसके 1851 तक आते आते ये लोग और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो धीरे धीरे करके ये लोग बढ़ने लग गए थे, मतलब इनकी संख्या बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जब सेटलमेंट इनका हो चुका था, एक ज़मीन इनको अंग्रेज़ों ने फिक्स दे दी थी कि इतनी ज़मीनों को आप बिल्कुल सालों तक, कई सालों तक आप इसको करते रहिए। तो कहने का मतलब ये कि लगभग 1851 तक इन लोगों ने क्या करा, ज़मीनों को फर्टिलाइज करा। अब जैसे ज़मीनें फर्टिलाइज होती चली गई, अंग्रेज़ लोगों की रेवेन्यू उतनी अच्छी, और उन्होंने इलाकों के अंदर अंग्रेज़ लोगों की रेवेन्यू बढ़ती चली गई। सोचिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है इन लोगों के लिए कि संथालों की ज़मीनें बढ़ती चली गई। जब संथालों की ज़मीनें बढ़ती चली गई तो अंग्रेज़ों की रेवेन्यू बढ़ती चली गई, अंग्रेज़ों की रेवेन्यू बढ़ती चली गई तो देन फाइनली संथालों के ऊपर अंग्रेज़ों ने हाई रेवेन्यू जनरेट करने लग गए वो लोग, और ज़मीनों के ऊपर जो टैक्स था वो ज़्यादा लिया जाने लग गया संथालों से। तो यहाँ पे संथालों को समझ में आ गया था, संथालों को एक चीज़ क्लियर था, संथाल लोगों को ये समझ में आ चुका था संथालों के बारे में इतिहास जो है, देखो सिद्धू मांझी करके संथालों के बारे में इतिहास हमें बहुत सारी जगहों पे मिलता है। 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स थे, बहुत सारी उनकी हिस्ट्री थी, बहुत सारी उनकी ट्रैवलिंग की स्टोरीज थी, जो कहीं ना कहीं हमें लोकल लोगों से, बंगाल से सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे संथालों ने, क्योंकि संथाल लोग सारा काम तो संथाल लोग ही कर रहे थे, और जब सारे लोग संथाल लोग सारा काम कर रहे थे तो संथालों को बाद में ये पता चला कि जो ज़मीनें हैं ना, ये जो ज़मीनें हैं वो खेती के लिए इनसे करवाई तो जा रही है, पर बाद में ज़मीनें इनसे छीन ली जाएगी। और जब बाद में संथालों से ज़मीन छीन ली जाएगी तो संथालों को ये समझ में आने लग गया कि बाद में जो ज़मीनें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, बाद में वो ज़मीनें हमसे छीन ली जाएगी, और जल्दी उनके हाथों से वो ज़मीन छीन ली जाएगी, और फिर उनको उसी ज़मीनों पे काम करने के लिए टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे झगड़े की बात हुई शुरू। अब ब्रिटिशर स्टार्टेड लिविंग टैक्स ऑन दोज लैंड एंड मनी लैंडर्स वर चार्जिंग विद दम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टुक ओवर देयर लैंड इन केस ऑफ डिफॉल्टर। तो ये चीज़ होने लगी, मतलब जिन ज़मीनों को वो अच्छी तरीके से फर्टिलाइज कर रहे हैं उन्हीं ज़मीनों को फिर बाद में जाके अंग्रेज लोगों ने उन्हीं के ऊपर उनसे टैक्स लेना चालू कर दिया। टैक्स लेने के लिए ज़मींदार जो लोग हुआ करते थे उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते थे, क्योंकि ज़मींदारों को तो ही तो अंग्रेज़ों को टैक्स देना होता था। अब जब ज़मींदार लोग क्या कहते हैं ज़्यादा टैक्स लेने लग गए थे, तो अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उनसे उनके ज़मीन छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से संथालों को लगा कि यार हमसे तुम्हारी ज़मीन ही छीन ली जाएगी। दैट इज़ वाई यहाँ पे 1950 के बाद उन्होंने रियलाइज़ करा, 1950 के बाद उन्होंने रियलाइज़ करा, और फिर बाद में उन्होंने उसे रिबल करने लगे। किन से, अंग्रेज़ों से, या ज़मींदारों के खिलाफ, या मनी लैंडर्स के खिलाफ। इन लोगों ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, संथालों ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ द पिक्चर, सो यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है
किस तरीके से संथाल लोग जो है वो अंग्रेजों ब्रिटिश ऑफिसर से लड़ रहे हैं, ये उनके नेता हैं। ये आपको पिक्चर 10.12 फिगर में दिख जाएगी। लेकिन संथाल जो लोग थे, जब वो ज़मीन में खेती करना जानते थे तो वो अपना हक मांगना भी जानते थे। सो दैट इज़ वाई 1850 के टाइम पीरियड के अंदर अंग्रेजों ने महसूस करा कि संथालों को एक पर्टिकुलर बंगाल के अंदर जगह दे देनी चाहिए जहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं रेबल के बाद। तो इसलिए 1855 और 56 का टाइम पीरियड था, ये वो टाइम पीरियड याद रखिएगा संथालों का, जहाँ पे किसानों ने सबसे पहले अंग्रेजों के प्रति, यहाँ पे 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी सोचो, और यहाँ पे किसानों ने सबसे पहले क्रांति कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। दैट इज़ वाई जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इनका इतिहास जरूर पढ़िएगा, क्योंकि गुंडा धुर, बिरसा मुंडा है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिद्धू मांझी करके यहाँ पे लिखा हुआ, ये हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। अंग्रेजों को मार के ये लोग भग जाते थे, सोचिए, तो इसीलिए उनसे ये लोग संथाल लोग जीत गए और संथालों को ज़मीनें दी गई थी भागलपुर में, और भागलपुर वीरभूम जिलों के अंदर लगभग इतने इलाकों की इनको ज़मीनों पर बसाया गया था बाद में जाके। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल का है, ऐसे तो बंगाल पहले दूसरा ही था, लेकिन ये इलाका आपको दिख जाएगा वीरभूम का और यहाँ पे भागलपुर का, ठीक है। तो ये इलाके आपको दिखेंगे, परागना हिस्से दिया गया, तो वो हिस्से यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुए। सो दिस इज़ द पार्ट एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी लेवल के लिए ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग आफ्टर 12th अबाउट द यूपीएससी। सो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, डीपली पढ़िएगा, बस मैं आपका बेस बना रहा हूँ, 12th में आपका बेस बनाया जाता है ताकि आप चीज़ों को समझ सके। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।